प्रवर्तन निदेशालय ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी से 14,500 करोड़ के संदेसरा बैंक घोटाले में पूछताछ की। इरफान सिद्दीकी से ईडी की पूछताछ करीब 9 घंटे चली। इस दौरान संदेसारा ग्रुप से संबंधों को लेकर ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। संदेसारा ग्रुप के मालिक नितिन और चेतन संदेसारा अहमद पटेल के काफी करीबी हैं। आरोप है कि संदेसारा भाइयों ने अहमद पटेल के कहने पर ही दिल्ली के वसंत विहार में घर खरीदा और फिर उसे रेनोवेट करवाकर इरफान सिद्दीकी को रहने के लिए दिया। आरोप है कि वो घर बैंक घोटाले पैसों से ही खरीदा गया था। इरफान से दिल्ली के जामनगर हाउस में ईडी ऑफिस में पूछताछ की गई। ईडी के मुताबिक संदेसारा बंधुओं का घोटाला पीएनबी घोटाले से भी बड़ा है। आरोप है कि संदेसारा फैमिली ने बैंकों से 14,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी से यह बड़ी खबर, जहां पर नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से पाकिस्तान रात 12:30 बजे से रोक रोक कर फायरिंग कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। राजू केतनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। राजू, फिलहाल स्थिति क्या है, क्या अब भी फायरिंग जारी है? देखिए, रात भर पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन किया गया था, गोलाबारी दोनों तरफ से जो थी वो जारी थी। भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही थी, लेकिन इस समय जो है जो फायरिंग है उस इलाके में थमी हुई है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की तरफ से सुंदरबनी, नौशहरा और उसके बाद जो है तंगधार, श्रीनगर के पांच जगहों पे जो है पाकिस्तान की तरफ से जगह बदल बदल के जो है फायरिंग की गई है। हालांकि इस फायरिंग में सेना के एक जवान शहीद हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को भारी नुकसान इसमें उठाना पड़ा है। सुंदरबनी सेक्टर के अक्रॉस और जो है श्रीनगर में तंगधार के अक्रॉस जो है पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस गोलाबारी में जो सूचनाएं मिली हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के दो सैनिक भी इसमें मारे गए हैं और कई उनके बंकर जो है भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई इसमें तबाह हुए हैं। क्योंकि ये खराब मौसम इस इलाके में भी चल रहा है, तो घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान जो है लगातार बनाए में रख रहा है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सीसीडी के मालिक और कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। वीजी सिद्धार्थ को सोमवार की रात दक्षिण कन्नड़ जिले के कोटेपुरा इलाके में नेत्रावती नदी के पुल के पास अंतिम बार देखा गया था। नेत्रावती नदी के पुल पर गाड़ी से उतरने के बाद वो अपने ड्राइवर से सैर करने की बात कहकर निकले और उसके बाद नहीं लौटे। पुलिस को आशंका है कि सिद्धार्थ बहती नदी में कूद गए होंगे, तभी ड्राइवर को नहीं मिले। इस बीच सिद्धार्थ की चिट्ठी भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संबोधित करते हुए लिखा है कि वो एक कारोबारी के तौर पर नाकाम रहे। सिद्धार्थ ने अपने खत में आयकर विभाग के पूर्व डीजी पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया। वहीं आयकर विभाग ने चिट्ठी की सत्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आयकर विभाग का दावा है कि चिट्ठी में जो दस्तखत हैं वो सिद्धार्थ के नहीं हैं।